नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी की मार विपक्ष में हाहाकार। जी हां, परिस्थिति ऐसी ही बनी हुई है। एक तरफ प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो दूसरी तरफ तमाम अन्य पार्टियों को अंदर झांकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इधर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष नोटिस पीरियड पर चल रहे एक महीने के लिए, उनकी पार्टी में कोई अध्यक्ष का पद लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी में तेजस्वी यादव के पद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी का मारा विपक्ष बेचारा। जी हां, इस वजह से यह कहा जा रहा है क्योंकि जीत के बाद विपक्ष में हाहाकार है। अध्यक्ष पद छोड़ने पर अड़े हुए हैं राहुल गांधी। विकल्प के लिए उन्होंने एक महीने का वक्त दिया। अपनी पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कि एक महीने का टाइम आपको दिया है, आप कोई विकल्प ढूंढिए, गैर गांधी विकल्प ढूंढिए। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का पंजाब में इस्तीफा हो चुका है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में जो परिस्थिति बन रही है, उसमें कांग्रेस एक ऊहापोह की स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रही है। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ पार्टी में जबरदस्त नाराजगी है। खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों को कहा है कि आप अपने अपने बेटे के प्रचार में लगे रहे, पार्टी पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सवाल आरजेडी में भी खड़े हो रहे हैं। इधर हम आपको बता रहे हैं, राज्य के नेता विपक्ष परेश धनानी का इस्तीफा, ये गुजरात का है कांग्रेस के लिए। इसी के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अल्पेश ठाकुर, ये खबर गुजरात से आ रही है। देखा ही आपने टीएमसी और अन्य पार्टियों का क्या हाल हो रहा है। इस बीच राधाकृष्ण विखे पाटिल, जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं बीजेपी से, ऐसी खबर आई है। मतलब एक और दिग्गज नेता बड़ा झटका, एक के बाद एक तमाम राज्यों से कांग्रेस पार्टी के लिए आता हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अध्यक्ष बनाने की मांग कई जगहों पर हो रही है, लेकिन अब आई बातें हैं गैर गांधी तो क्या, सिंधिया परिवार भी तो एक विरासत के तौर पर ही देखा जाता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने हैं। उनकी तरफ से कोई प्रवक्ता बहस में आने को तैयार नहीं है। हमने अपने सहयोगी को इसीलिए वहां पर खड़ा किया है ताकि हम विक्रांत से अपडेट ले सके। आरजेडी में बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। टीएमसी के दो, लेफ्ट के एक विधायक हमारे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन देख लीजिए पहले ये रिपोर्ट। कुल कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने पर अड़े हैं और पार्टी उन्हें मनाने में जुटी है। राहुल जब भी अपने सिपह सालारों और वरिष्ठ नेताओं से कह रहे हैं कि विकल्प ढूंढिए, तो उन्हें जवाब मिल रहा है कि आपका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। राहुल बार बार कह रहे हैं कि मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा, लेकिन अध्यक्ष पद छोड़ने का मन बना चुका हूँ। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहना चाहिए और एक नए सिरे से गठन करें और आगे बढ़े। कांग्रेस में कई बार ऐसे डिबेकल हुए हैं और कांग्रेस में शक्ति है कि वो दोबारा वापस आती है, पर नेतृत्व राहुल गांधी को, गांधी परिवार को रखना चाहिए। सूत्रों की माने तो राहुल ने पार्टी के नेताओं को ये बता दिया है कि वो लोकसभा में पार्टी का नेता बनने के लिए तैयार हैं, कोई दूसरी भूमिका भी निभा सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष बने रहना नहीं चाहते। साथ ही राहुल ये भी नहीं चाहते कि बहन प्रियंका को जिम्मेदारी सौंपी जाए। चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसकी जिम्मेदारी सभी कांग्रेस जनों पर है, हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, अकेले राहुल जी जिम्मेदार नहीं। आज कांग्रेस को राहुल गांधी की जरूरत है। केंद्रीय स्तर पर तो हाहाकार है ही, राज्यों में भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। दो मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और कमलनाथ को लेकर राहुल खुद बोल चुके हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत के खिलाफ विरोध के सुर भी बुलंद होने लगे हैं। जिम्मेदारी तो इतना सब विवेचन कर रहे हैं, किसी की जवाबदारी आएगी तो राहुल जी तय करेंगे। उनके सटीक बात कोई बैठी तो उस समय पूरी पार्टी एक तरफ होती, राहुल जी तो वो अपनी बात मनवाती है। राजस्थान में हार के बाद अशोक गहलोत की घबराहट इस कदर बढ़ी हुई है कि पिछले 4-5 दिनों से वो राहुल से मुलाकात की कोशिश में लगे थे, मगर कामयाबी आज मिली। अब मध्य प्रदेश का हाल भी देख लीजिए। सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस की फद पिटी, तो प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग उठने लगी। अभी तक मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस की कुर्सी कमलनाथ ने ही संभाल रखी थी, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को अध्यक्ष बनाने की मांग हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास में डबल कार्यभार है, वो मुख्यमंत्री भी है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, लेकिन अब चूंकि डबल जवाबदेही है और कांग्रेस अध्यक्ष चाहता है, कांग्रेस हाईकमान चाहते हैं कि बदला हो, तो मैं समझता हूँ बदला होना चाहिए। सिंधिया जी पूरे प्रदेश में के नेता हैं, कांग्रेस हाईकमान जहाँ उनको जवाबदारी देगा उसके लिए हम सबको खुशी होगी। मध्य प्रदेश से आगे गुजरात चलते हैं। अल्पेश ठाकुर डिप्टी सीएम नितिन पटेल से मिले और फिर उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें आने लगी। तो आने वाले वक्त के अंदर
मैं नहीं मानता कि ये लोग टिकेंगे, और अगर टिके तो जीतेंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर यही चलता रहा तो 2022 में ये लोग लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, ये पक्का बात है। बीजेपी की जीत के बाद सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली सारी पार्टियों में हड़कंप है। बिहार में आरजेडी का सफाया हुआ तो लालू ने दोपहर में खाना छोड़ दिया और तेजस्वी के इस्तीफे की मांग उठने लगी। तेजस्वी जी न सिर्फ राजद के नेता थे, गठबंधन के भी नेता थे, और एक भी सीट पार्टी को नहीं मिली, इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको त्याग पत्र दे करके और किसी दूसरी जाति के वरिष्ठ नेता को जो है सो पार्टी का बनाना चाहिए। मैंने इससे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ कमजोरी है उसको दुरुस्त किया जाए और आगे बढ़ा जाए, निराश हताश होने से काम होता है क्या? कितना हम लोग हारा जीत कितना देखे हुए हैं, दूसरी पार्टी वाले भी हार जीत देखे हुए हैं, कांग्रेस नहीं शून्य पर चले गए थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद दीदी के कुनबे में भगदड़ मच गई है। टीएमसी के दो और सीपीएम के एक विधायक और करीब 50 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मैं एक्सपायरी डेट डेरेक और ममता जी को एक एक करके बताऊंगा कि कितने लोग टीएमसी से आ रहे हैं, और आज शुरुआत है, आगे आप देखते जाइए। उस वक्त डेरेक और टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन में जाकर ये चार्ज भी लगाया था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इसीलिए हमने कहा था कि चुनाव के बात करेंगे, वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये दिल की ट्रेडिंग हो रही है। दूसरी बार केंद्र में मोदी सरकार है तो विरोधियों में हाहाकार की बयार है, इस्तीफों का दौर है तो पार्टियों में बगावती सुर भी है। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता शामिल नहीं हो रहा है बहस में, इसीलिए हमने अपने सहयोगी कुमार विक्रांत को खड़ा किया है ताकि अंदर की खबर कुछ समझ तो आए कि आखिर कैसी ओहापोह की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर। एक मंथ के नोटिस पर है विक्रांत, आऊंगी आपके पास। मनोजीत मंडल टीएमसी सपोर्टर हमारे साथ है, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता है आरजेडी के, तौसीफ खान माफ कीजिएगा अब हमारे साथ टीएमसी से जुड़ रहे हैं, अब निजेश अवस्थी जी आरएसएस आइडियोलॉग हमारे साथ हैं, और आमिर हैदर जैदी साहब जो कि सीपीआई के नेता हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अब जिन जिन की पार्टी से लोग निकल रहे हैं उनके पास तो थोड़ा देर से जाएंगे, क्योंकि आज हमने सुना है कि जैदी साहब बड़ा सोच समझ के बैटिंग फील्डिंग करने वाले हैं, मोदी जी का गुणगान गाएं कि अपनों को बचाएं, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, ये दिल की ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं आप? अब तो एक तरफा हो गया है मामला, जो ताकतवर जो शक्तिशाली उसी की तरफ लोग आते हैं, स्वाभाविक है। देखिए अंजना जी, तीन चीजें इसमें समझनी होंगी कि तीन ऐसी शक्तियां थी जो हिंदुस्तान की राजनीति को निरंतर क्षीण कर रही थी, उसे कमजोर कर रही थी, जिसको अमित शाह जी कहते हैं नंबर एक परिवारवाद, नंबर दो जातिवाद, और नंबर तीन पे था तुष्टिकरण। अब तीनों पार्टी का आज जो हम जिक्र कर रहे हैं, तीनों पार्टी के उदाहरण को देखिए। अभी चंद मिनटों पहले जब कांग्रेस के परिवारवाद की आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं माफी के साथ सर टोकना, मतलब बिना टोके कैसे आगे बढ़ूं, आप परिवारवाद की बात कर रहे हो और आज मुकुल रॉय के साथ उनके दो सुपुत्रों को भी ले आए हैं, मतलब बताइए आप जिससे लड़ाई कर रहे हैं वही शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में, ये भी अनूठा है। लेकिन वही है, जो जीता वो सिकंदर, जो कर ले सब माफ। अंजना जी मैं इसका भी उत्तर दूंगा, आपका हर ऐप भी जमाने को हुनर दिखता है। नहीं बिल्कुल नहीं अंजना जी, देखिए अंजना जी आप देश की मूर्धन्य पत्रकार हैं, बिल्कुल सख्ती के साथ सवाल पूछना, परिवारवाद से हमें भी कटघरे पर खड़ा करना, ये आपका अधिकार है, मैं इसका जवाब दूंगा। पहले मैं अपने पहले वक्तव्य को कंप्लीट कर लूं, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। नंबर एक परिवारवाद, आप देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, अगर बनना है किसी को कांग्रेस का अध्यक्ष तो वो गांधी परिवार से ही हो सकता है। जातिवाद, अभी आपने सुना कि महेश्वर यादव जी ने क्या कहा, जो आरजेडी के विधायक है, कि मैं कहूंगा कि तेजस्वी यादव जो है वो किसी और जाति के व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बना दे, अपना पद छोड़ दे, तो ये जातिवाद। तीसरी बात आप याद करिए कि तुष्टिकरण, तुष्टिकरण में ममता बनर्जी ने दो दिन पहले क्या कहा, ममता जी ने कहा कि मैं इफ्तार पार्टी पे जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो दूध देती गाय है, अगर वो लात भी मारेगी तो मुझे लात खाना मंजूर है क्योंकि वो दूध दे रही है।
आप सोचिए, ये परिवारवाद, तुष्टिकरण और जातिवाद की राजनीति की समाप्ति है। जहां तक परिवारवाद के विषय में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल पूछा गया, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं जिस अस्पताल में काम करता हूं, हाँ मेरा बेटा भी उस अस्पताल में इंटर्न के रूप में काम कर सकता है, मगर मेरा बेटा कहेगा मैं तो आज ज्वाइन करूंगा और आज ही मैं अस्पताल का सीईओ बन जाऊंगा, आज ही मैं अस्पताल का सुपरिंटेंडेंट बन जाऊंगा, तो ये चौलबे ना, ये नहीं चलेगा। आपको अपने मेरिट्स दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, पालने में अगर प्रतिभा के बगैर भविष्य का प्रधानमंत्री और भविष्य के पार्टी के अध्यक्ष का जन्म होता है तो उसको परिवारवाद कहते हैं, जिसके गम में आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भोजन तक त्याग दिया है। ठीक है, मैं इस पर आऊंगी, मृत्युंजय तिवारी जी के पास जाऊंगी। मोबाइल में कुछ पढ़ रहे हैं सर, देखिए कुछ खबर आई, कुछ पता चला, लेकिन बेखबर जो पार्टी सबसे ज्यादा है वहां चलते हैं। विक्रांत, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ, थोड़ा सा इंतजार कराइए मृत्युंजय तिवारी जी को। विक्रांत, कैसा सन्नाटा है भाई, कोई बोलने को तैयार नहीं है पार्टी की तरफ से, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। आप ही लोगों के जरिए अब कांग्रेस पार्टी का पक्ष पता चलेगा। जरा बताइए कि क्या वाकई एक महीने के नोटिस पीरियड पर राहुल गांधी है और उन्होंने ये कह दिया है कि कोर गैर गांधी अध्यक्ष आप लोग खोज लीजिए और कोई अध्यक्ष पढ़ने को पार्टी में तैयार नहीं है, ये कांग्रेस की परिस्थिति हो गई है। विक्रांत जी, निश्चित तौर पर चुनाव हारने के बाद से ही राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कह दी थी। हालांकि उनको कहा गया कि सीडब्ल्यूसी में अपनी बात रखिए, वरना वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 23 तारीख को शाम को करने आए थे उसमें ही अध्यक्ष पद छोड़ने की बात करने जा रहे थे। अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी फिलहाल इस बात पर माने हैं कि कुछ दिन, तकरीबन एक महीने के तक वो अध्यक्ष का पद पर हैं, तब तक नया नॉन गांधी अध्यक्ष खोज लीजिए आप लोग, उसके एवज में राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी को लीड करने की बात कर रहे हैं। तो लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे, लगातार वो समझा रहे हैं राहुल गांधी को कि आपकी जरूरत है, वरना कांग्रेस पहले भी टुकड़े टुकड़े हो गई, गांधी परिवार नहीं रहा तो हाल कांग्रेस का और बुरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी अभी मान नहीं रहे। बुरा क्या होगा विक्रांत, अब इससे बुरा क्या होगा? हमने सुना है कोई अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम भी आगे करने को तैयार नहीं है, कोई किसी का नाम आगे तैयार करने को नहीं है, मतलब दूसरी कोई कतार नेताओं की दिखती ही नहीं है, गांधी परिवार पे ही इस पार्टी का खात्मा हो रहा है। जी देखिए, अगर कोई नेता अपना नाम आगे बढ़ाता है तो ये जान लीजिए कि पार्टी के भीतर जो गांधी परिवार को लेकर के बात है उसमें वो नेता कहीं पार्टी नेताओं के या कार्यकर्ताओं की नजरों में विलेन ना बन जाए, इसलिए कम से कम किसी नेता की हैसियत तो नहीं है कि नाम अपना वो आगे बढ़ाए खुद। विलेन बनने का खौफ ऐसा है कि परिस्थिति ऐसी बन गई है। अब आपके पास आते हैं तौसीफ खान साहब, कितने गए? 43 पार्षद और 2 विधायक, क्यों हो रहा है ऐसा? तौसीफ खान साहब 53 पार्षद गए। हाँ देखिए, ये तो उनकी मर्जी है, वो जहां चाहे चले जाए। सोचने की बात यह है कि आप एक पार्टी में रहकर आप जिस पार्टी का झंडा उठाते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं और उसके बाद में उसको इलेक्शन हरा देते हैं और उसके बाद में आप दूसरी पार्टी चले जाते हैं, तो जो लोग इन ऐसे लोगों को ले रहे हैं उनको भी ज्यादा सोचना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों को ले रहे हैं। दूसरी बात, आज हर पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है, दलील सही नहीं बैठती है। तौसीफ खान साहब, आपको इसलिए टोक रही हूँ कि क्या एक सेकंड मिला है। खान साहब, आपको टोक के काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, आपकी ये दलील मुझे इसलिए सही नहीं लगती है क्योंकि अगर आपने ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक सफर देखा हो तो आपको पता है कौन सी पार्टी से शुरुआत की थी उन्होंने? जी हाँ बिल्कुल, कांग्रेस से। बिल्कुल, कांग्रेस से शुरुआत की थी। उन्होंने जब अपने पार्टी बनाई थी, हाँ। वो एक कांग्रेस से शुरुआत की थी और उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने काम नहीं किया था, उन्होंने ओपनली बिल्कुल तो ये हर किसी को, हर कार्यकर्ता को और इस देश के संविधान में हर कार्यकर्ता जिसको जहां जाना है वो बनाता है। उन्होंने आइडियोलॉजिकल के बेस, हाँ, जिसको जो करना होता है वो करता है। ये भी निकल गई जब इनको लगा कि नहीं, अब मैं अपनी पार्टी बनाकर लड़ना चाहती हूँ। पार्टी के अंदर में रहकर विलेन मत बनाइए अपने कार्यकर्ताओं को, विलेन मत बनाइए, कुछ तो वजह रही होगी, जरा वजह पर भी तलाशिए तो शायद आईने में अपना चेहरा भी दिखे। नहीं, विलेन का बात नहीं है। आप कह रहे हैं ना हरा दिया फिर चले गए, तो वो पहले ही पार्टी छोड़ देते, पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ काम करना ये अलग चीज है। तो इस बात को समझना होगा, जो लोग उनको ले रहे हैं वो भी ये बात को जान के रखे कि आज भले ही आपके पास पैसा है और पावर है जिससे ये लोग आपके अट्रैक्ट हो करके आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये जब किसी एक पार्टी का झंडा उठाते थे तो वो उसी पार्टी के अगेंस्ट काम करते। संबित जी के आप लोग जानबूझकर, ठीक है, संबित जी के आप लोग पहले से टच में थे, सच कहना कि अब मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। संबित जी के आप लोग पहले से टच में थे,
वो कह रहे हैं कि पहले से आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। देखिए अंजना जी, तो बड़ा आश्चर्य का विषय है, ममता जी सोचती थी कि ये सारे विधायक और ये जो काउंसलर्स थे टीएमसी के, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, फिर चुप क्यों बैठी हुई थी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो मर्डर कर दे रहे थे, मगर अपने कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे उनको पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे थे? ये कितनी अजीब बात है तौफीक जी, ये तो बहुत अजीब बात है। आपको पता था ये हमारे लिए काम कर रहे थे, तो इनको क्यों रखा हुआ था अपने पार्टी के अंदर? दूसरी बात अंजना जी, मोदी जी ने बहुत लेट से बताया। अच्छा, बहुत आज ही पता चला है। मोदी जी ने इलेक्शन के दौरान बताया था, बहुत लेट से मोदी जी ने बताया। मोदी जी बताते तब पता चलता है आपको? इलेक्शन के दौरान मोदी जी ने बताया था। अंजना जी मान गए आज, ये समर्थक भी कैसे समर्थक ढूंढ के आप लाए हैं, वो बोल रहे हैं मोदी जी लेट से बताया हमें, मोदी जी बताते हैं तो इनको मालूम पड़ता है, कमाल की बात है। अरे दीदी की भी कभी सुन लिया करो आप, मोदी जी से सब कुछ सुनोगे तो कैसा होगा? अंजना जी ऑन अ सीरियस नोट, अंजना जी आज सीएसडीएस लोकनीति का ही सर्वे आया, स्टूडियो में किसी से गप कर रहे हैं लगता है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास एमएलए आपकी सरकार गिरा देंगे, ये बात तो कहा था ना मोदी जी ने। तौसीफ जी एक मिनट, तौसीफ जी ठीक है ठीक है, तौसीफ जी सुनिए, अंजना जी एक सीरियस नोट, आज सीएसडीएस लोकनीति पोस्ट पोल सर्वे आया है बंगाल का, एक बहुत दिलचस्प बात है। ये टीएमसी वाले बीजेपी में आ गए या लेफ्ट वाले बीजेपी में आ गए, इससे महत्वपूर्ण है। देखिए जो ट्रेडिशनल लेफ्ट वोटर्स थे, जो लोग ट्रेडिशनली लेफ्ट को वोट करते थे, उनमें से लगभग 40% ने इस बार 2019 में बीजेपी को वोट दिया है, और जो ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स थे, तो हमेशा कांग्रेस को वोट करते थे, उनमें से 32% ने इस बार 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट कर दिया है। जो वोट बेस होता है वो ही सरक गया है, और याद रखिए वोट बेस को लेके राजनेता राजनेता होता है, इसीलिए आज इतने सारे काउंसलर्स और विधायक टीएमसी को छोड़ के वहीं जा रहे हैं जहां जनार्दन जा चुकी है। जरा तस्वीर दिखाइए आज वाली तस्वीर दिखाइए, जब बीजेपी दफ्तर में ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। फुल स्क्रीन दिखाइए, वोट शेयर बढ़ा है, फुल स्क्रीन दिखाइए, क्योंकि इसमें जरा खोजा जाए वो सीपीएम वाले भी हैं कि नहीं है। जैदी साहब क्या बीत रही है आप पर? मोदी जी चुनाव में भी ऐसी शिकस्त देते हैं, चुनाव के बाद भी नमक डलता जा रहा है। देखिए अभी संबित पात्रा कह रहे थे वोटर वोट के बारे में, तो आरएसएस ने केरल के अंदर कांग्रेस का समर्थन किया है, ये सब जानते हैं। दूसरी एक चीज, ये विचारधारा का विस्तार नहीं है, कुछ मौका परस्त लोग सत्ता की भोगने के लिए अपना पाला बदल रहे हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मौका परस्त कहूंगा। जैदी साहब को इतना शांत मैंने कभी नहीं देखा, दिल इतना भारी, मन भारी, आवाज भी भारी है। नहीं नहीं, मन भारी नहीं है, और बिल्कुल सच बात, हवा हो गए देश से, बिल्कुल सच बात कहूंगा, बीजेपी की सराहना करनी चाहिए, बीजेपी की। तो मोदी के फैन हो गए अब हमें पता चला। सुन लीजिए अंजना जी, मुझे भी दो मिनट दे दीजिए, बस दो मिनट बहुत दे दीजिए मुझे, 60 सेकंड बगैर उसके दे दीजिए। बीजेपी की सराहना करनी चाहिए, वो सावरकर को, गोडसे को अपना आदर्श मानना है, और डंके की चोट पे मानते हैं और उनका विस्तार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस बुजदिल पार्टी है, कांग्रेस बुजदिल पार्टी है, वो गांधी नेहरू इंदिरा राजीव का पक्ष नहीं रख सकते तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या बचाएंगे? आरएसएस जानती है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई एक नाम है जिसपे 60% हिंदुस्तान को एकजहत किया जा सकता है, संगठित किया जा सकता है, तो वो गांधी नाम है। इसलिए कांग्रेस के अंदर की आरएसएस से मिलकर एक मुहिम चलाई जा रही। आज आप कांग्रेस को गाली देने बैठे हैं, जरा अपने बारे में बताइए कि कांग्रेस को गाली नहीं दे रहा, ये तो पूरा वोट बैंक खिसक गया। अंजना जी कटाक्ष कर रहे हैं, अंजना जी आईना दिखा रहा हूँ, कांग्रेस को दिखा रहा हूँ, कुछ अपने कांग्रेस को दिखा रहा हूँ, बुजदिल पार्टी है कांग्रेस, जो गांधी का, नेहरू का, इंदिरा का, राजीव का भी पक्ष नहीं ले सकती, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या बचाएगी? ये बदकिस्मती है। और दूसरी एक चीज जो है, विचारधारा का पतन हो रहा है आरएसएस का भी, आरएसएस की विचारधारा से कोई नहीं जुड़ रहा, सत्ता से जुड़ रहे हैं, सत्ता से जनता सत्ता से जुड़ रही है, नहीं नहीं जो ये टूट गए। अरे जनता ने 303 दे दिया ना उधर, एक पार्टी को 303, कल्पना कीजिए आप। अंजना जी आप लोगों की आंखों के सामने हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई, जेएनयू से लेकर कन्हैया कुमार से लेकर बेगूसराय, हाँ। जो बचा
क्या बचा आपके पास? अंजना बचा जी, अंजना जी हमारे पास बहुत कुछ बचा। क्या बचा? हमारे पास अपनी विचारधारा है, हमारे पास अपना तर्क है। हम सत्ता के गलियारों में नहीं बैठे हैं। जयश्री के पास आ रही हूँ डॉक्टर पात्रा। अंजना जी अगर सही मायने में कहा जाए और मेरे मित्र आमिर हैदर बुरा ना मानेंगे तो नथिंग इज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, अब लेफ्ट का कुछ बचा नहीं है इसलिए वो बुरा ना माने। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है मैं तो कहूंगा नहीं कोई बात नहीं है, आज वो अच्छे भी दिख रहे हैं, उनके मूंछें काली काली नजर आ रही है। हम तो सोच रहे थे आप अगर जीत के आएंगे तो मंत्री मंत्री बनेंगे, हम भी चाय पीने आ जाएंगे मंत्री के बंगले के ऊपर। कोई बात नहीं सर, हम मंत्री सोच रहा हम नहीं बनना चाहते, हम करना चाहते हैं। आप हमें आशीर्वाद देते रहे भविष्य के लिए, कोई बात नहीं सर, आप हमें आशीर्वाद देते रहे, आप मेरे बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप पिता समान हैं, आप आशीर्वाद देते रहे बेटे को मुझे। कोई कोई सर कोई बात नहीं सर, मैं तो बहुत बेकार आदमी हूँ सर, मेरे बारे में क्या चिंता करना है, मेरे को तो आप भूल ही जाइए, मैं बेकार आदमी हूँ। मैं विषय पे आता हूँ। अंजना जी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, 2014 में और 2019 में बिल्कुल कांग्रेस वहीं खड़ी है, और वो उसको मैं कहूँगा हुआ तो हुआ मूवमेंट ऑफ कांग्रेस। 2014 में भी 40 के ऊपर सीट लाके कांग्रेस कह रही थी हुआ तो हुआ, एके एंटनी जी को बैठा देंगे, वो एक कमीशन बना देंगे, और उसके बाद 2019 में ठीक उसी प्रकार के प्रदर्शन के बाद अभी आप अपने सहयोग तो कम से कम अटल जी से कुछ सीख के आ जाते हैं। आप तो कांग्रेस के जमाने के अंदर देश का पक्ष रखने की बात आई तो विपक्ष का नेता पक्ष रखने गया था, आज आप विपक्ष को खत्म करने पे तुड़े हुए। कोई लोकतंत्र ऐसा नहीं है बगैर विपक्ष के चलता हो। सर कृपया करके बोलने दीजिए, चार सीट आई नहीं है यहाँ पर, आपने बहुत चार सर मेरी चार सीट आई है, 400 सीट आप कहीं चिंता मत कीजिए। 80 के दशक में आपकी भी 84 के बाद दो सीट आई थी, मेरी चार आई है, मैं भी 400 पे पहुंच सकता हूँ। उस समय तो आप हमें बोलने देते नहीं थे कहीं, मैं भी 400 पे पहुंच सकता हूँ ना। मुबारकबाद, अभी तो देश को आपने गुमराह कर दिया, तो मुबारकबाद को बताने में ये कामयाब रहे कि भेड़ों की रक्षा भेड़िया भी कर सकता है सर, लेकिन भेड़िया जनता को भारत की जनता को भेड़ कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? और इसमें मुझे इसलिए हैरत नहीं है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में कभी विश्वास नहीं रहा इनका। इनके जिस तरीके से हिंसा की राजनीति है, हिंसा के बल पर, रिगिंग के बल पर, ये सब लोग जानते हैं। अभी आप ही बोले भेड़ और भेड़िया, नहीं तो मैं तो कह रहा हूं को आपने गुमराह कर दिया। ये जनादेश गुमराह किया जा सकता, भारत वर्ष की 130 करोड़ जनता, 90 करोड़ मतदाताओं को भेड़ कहना, भेड़े कहना, मैं कह रहा हूं भेड़ चाल कहना, भेड़ चाल कहना, ये समूचे अगर जाहिलों पे हुकूमत करनी है तो धर्म का लबादा ओढ़ दीजिए, और आपने वो लबादा ओढ़ रखा है, जिस दिन वो उतरेगा देश की जनता जान जाएगी कि जाहिलों पे हुकूमत। आप देश की जनता को जाहिल कह रहे हैं, जाहिल कह रहे हैं, जाहिल कह रहे हैं, जाहिल कह रहे हैं। जैदी साहब इधर देखिए ना, नीचे मत देखिए, इधर देखिए मेरे साथ, आप देश की जनता को जाहिल कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्यों कह रहे हैं, धर्म के लबादे के अंदर लपेट के कोई चाशनी परोसी जा सकती है? आप अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी कहते हैं, आप देश की जनता का ऐसा अपमान करते हैं, जाहिल कहते हैं, धार्मिक चिन्हों का प्रतीक नहीं करता हूँ, मेरा देश धर्म निरपेक्ष है। और कांग्रेस की वकालत करते हैं बैठ के, मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टी का कोई धर्म नहीं होगा। कांग्रेस की वकालत करते हैं आप रोज, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, जा सकती है कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? 6 महीने पहले तक कई बॉम्ब दिग्विजय सिंह आपके हीरो हैं, तुरंत बाद जो देश के अंदर हालात बनते चले जा रहे हैं वो धर्म पे आधारित। दिग्विजय सिंह आपके हीरो है, मेरे हीरो गांधी परिवार की इतनी चिंता क्यों करते हैं बैठ के? आपकी पूरी राजनीतिक पार्टी है, परिवार की चिंता राजनीतिक पार्टी है, फिर आरएसएस को क्या आवश्यकता है कि गांधी का अंदरूनी अध्यक्ष कौन होना चाहिए? देश की जनता आपको जाहिल लगती है, परेशान है देश की जनता आपको जाहिल लगती है? कांग्रेस के अंदर की आरएसएस और कांग्रेस के बाहर की आरएसएस चाहती है कि गांधी अध्यक्ष रहे, शर्मनाक है। एक बार मृत्युंजय तिवारी के पास मुझे चलने दीजिए, मृत्युंजय तिवारी जी, उसके बाद मारियो अपनी जय जी। मृत्युंजय जी, पार्टी के अंदर से बगावती तेवर बीते दिन एक एमएलए ने कहा और आज रघुवंश बाबू भी कह रहे हैं, कुछ हिलेगा वहां पर या जागीर ही रहेगी एक परिवार की आपकी पार्टी भी? देखिए देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी विचारधारा जो है हमारी पार्टी की, उस विचारधारा पर चलती है। रही बात परिवार की, तो आपको सबको पता है देश दुनिया को कि ये लालू प्रसाद जी के परिवार के, आप जो सुनना चाह रहे हैं वो मैं खुलकर बता रहा हूँ, ये पार्टी है। लेकिन आप कह रहे परिवारवाद खत्म कर दिया, जनता ने खारिज कर दिया, हमें बताइए परिवारवाद कहाँ खत्म कर दिया? श्री रामविलास पासवान जी के पूरे परिवार थोक भाव में यहाँ सब बन गए, जीत गए, वहाँ तमिलनाडु में देख लीजिए आप क्या हुआ,
जगन रेड्डी जी, वहाँ नवीन पटनायक जी उड़ीसा में देख लीजिए, और आंध्रा में देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू जी चले गए, वहाँ स्टालिन आ गए। ये देखिए परिवारवाद नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का मुद्दा। एक बड़ी साफ सी बात यह है कि दरअसल लगातार वहां तक आजादी के पश्चात जनता के पश्चात जिस तरीके की राजनीति चली, एक परिवार हावी रहा भारत वर्ष की राजनीति में 70 में से 55 साल एक परिवार ने। लेकिन उनका सवाल लाजिम है जो वो पूछ रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में रामविलास पासवान वाला पूरा ग्रुप आपके साथ, आपके कितने नेता। जब तक लोग ये लोग इस तरीके के तर्क दे करके परिवारवाद को स्थापित करते रहेंगे कि फला का परिवार भी तो आया, फला का परिवार भी तो आया, तो देश में वास्तविक जो राजनीति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। आप तर्क ढूंढ लीजिए, आप अपनी हार के भी तर्क ढूंढ लीजिए, हार के भी तर्क ढूंढ लीजिए कि मैं भी तो हारा, वो भी तो हारे, और वो भी तो जीत गया इसलिए मैं हार गया, तो क्या हो गया। सवाल ये नहीं है, देश की जनता ने, ब्रेक लेना है। इस्तीफों का दौर चल रहा है क्योंकि राजनीति में जबरदस्त शोर है, नरेंद्र मोदी की मार जिसकी वजह से विपक्ष में हाहाकार लौट रहा है। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, और जो खबर इस वक्त आ रही है उसी के साथ शुरुआत करेंगे। विक्रांत के पास चलेंगे क्योंकि राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने तक अध्यक्ष बने रहेंगे, 3-4 महीने के लिए राहुल को मनाया गया। ये मानना मनाना क्या है विक्रांत? मर्जी तो एक परिवार की चलती है, फिर ये लगता है जैसे ड्रामा ढकोसला रचा जा रहा है, क्या हो रहा है पार्टी के अंदर इस वक्त? देखिए, एक बात तो बड़ी तय है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं उनको लगता है कि राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये मानते हैं। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के व्यक्तित्व में फर्क है। सोनिया गांधी नेताओं के कहने पर, जो उनके करीबी नेता थे, मान जाती थी, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है अगर वो कोई फैसला करते हैं तो फिर उनसे फैसला बदलवाना खासा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसे राहुल गांधी 23 तारीख को इस्तीफा देना चाह रहे थे, उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया, तो उनकी कोशिश ये है कि कोई और नहीं है, विकल्प हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक है ना विक्रांत, कि एक पूरी पार्टी एक शख्स के दिमाग के अधीन होकर रह जाए कि मैं जो फैसला लूंगा वही करूंगा। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये बात रही, अगर आप देखें तो 1978 में जब इंदिरा गांधी पार्टी अध्यक्ष बनी थी, उसके बाद से 2 बार गांधी परिवार के बाहर के अध्यक्ष रहे। पहले नरसिम्हा राव रहे 1992 में, तब पार्टी हार गई 96 में, उसके बाद सीताराम केसरी रहे, और उसके बाद फिर सोनिया गांधी आई, और तब से लगातार सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी रहे। तो निश्चित तौर पर अगर आप और देखें, 47 से लेकर के अब तक करीब 37 साल गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष रहा और 35 साल गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा, तो ये आंकड़े हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जहां तक राहुल गांधी की बात है, उनको लगता है कि, हालांकि उनके लोग ये भी मानते हैं कि 3 राज्यों में जहां सरकार बनी थी वहां भी पार्टी का बंटाधार हो गया, और राहुल गांधी चूंकि खुद अमेठी से हार गए, इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जवाबदेही भी वो तय करें, जिम्मेदारी अपनी लें, और वो इस्तीफा देना चाहते हैं, पद छोड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के सारे नेता उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो रुके रहें। अब कोशिश ये हो रही है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए उनको रोका जाए, फिर आगे फिर मनाया जाए, उनको रोका जाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये सारी चीजें कम से कम कांग्रेस के लिए जो लगातार 2014 में 44 और बीमारी का इलाज है, सिमट गई, उसके लिए ठीक नहीं। बीमारी का इलाज है विक्रांत, लेकिन एक खास किस्म की मानसिकता का इलाज बहुत मुश्किल है। अभिनीजेश जी, मैं एक बार तो अंजना, उनकी पार्टी के नेता ही सारे मना रहे हैं, रुक जाइए, आप चले गए तो पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगा, कौन नेता होगा। कुछ लोगों को इतिहास मालूम नहीं होगा, इस पार्टी में क्या होता है कि नरसिम्हा राव के समय में जो ही एक पावर सेंटर नरसिम्हा राव के पास आया, सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, कुछ लोगों को याद नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं, तिवारी कांग्रेस बन गई थी, जो क्या थे, सोनिया गांधी लॉयलिस्ट थे, और वहां से उसके पश्चात जो ही नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटे, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और सीताराम केसरी को हटाया गया। इस पार्टी का ये, इस पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बने, मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई वो नहीं है, उनका पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के बाहर भी, देश में भी और पार्टी के भीतर भी अगर लोकतंत्र होता है तो उस पार्टी का समूचा जो देश के प्रति नजरिया होता है वो भी बदलता है। बीजेपी में है बदल, बिल्कुल है, आप देखिए ना बीजेपी में है। आप बताइए कौन अध्यक्ष बना था, आपको किसको मालूम था, आपको मालूम था 2000, आप ये बताइए 2013 से पहले आपको मालूम था अमित शाह अध्यक्ष बनेंगे? लेकिन एक ही अध्यक्ष पूरे फैसले लेते हैं, अध्यक्ष और मोदी जी मिलके। आप बताइए कि 2013 से पहले मालूम था? नहीं नहीं पता, ब्लॉक स्तर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता, अध्यक्ष बन सकता है, किसको मालूम था? जनाकृष्ण मूर्ति, किसको मालूम था? जनाकृष्ण मूर्ति बनेंगे, कुशाभाऊ ठाकरे बनेंगे, मैं आपको लंबी फेरिस्त गिना सकता हूं। एक बूथ वर्कर पार्टी अध्यक्ष बन जाता है,
एक पार्टी का कार्यकर्ता देश का पीएम बन जाता है। नरसिम्हा राव के जमाने को इन्होंने रिकॉर्ड किया। नरसिम्हा राव के जमाने के अंदर जब देश का पक्ष रखने की बात कही विदेश में जाके, तो नरसिम्हा राव ने अटल जी को चुना कि जाइए आप पक्ष रख के आइए। उस दौर में ये कहा जाता है कि हाँ विपक्ष की एक भूमिका है, लेकिन आज के दौर के अंदर एक मिनट सुन लीजिए, विपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी उनकी थोड़ी है सर, आपकी है। विपक्ष भी हम बनाएंगे, विपक्ष भी वही बनाए। ये कौन सी बात ये कह रहे हैं, विपक्ष भी हम ही बनाएंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये इनकी जिम्मेदारी है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब आगे मीडिया पर, आज अगर कोई ये कहे कि आज तक का मुख्य संपादक मीडिया को बाहर मीडिया को जो गालियां दी गई है इस समय नहीं स्वीकार करेंगी। ये भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है, यहाँ भी कुछ होना चाहिए। अगर इसका डिस्कशन पब्लिक में होने लगे या दूसरा मीडिया हाउस करने लगे, बताओ दूसरा मीडिया हाउस बोलिए ना, तो आप जनता इसीलिए आपकी बात नहीं समझ पाती, मैं भी नहीं समझ पा रही यहाँ बैठे हुए। अगर मुख्य संपादक कोई दूसरा मीडिया हाउस तय करेगा तो आपको स्वीकार नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो ये आज तक का बात। लेकिन ये भी क्यों कांग्रेस का समर्थन केरल में क्यों किया, पूछो पात्रा क्यों किया, हमारे तो कैंडिडेट कांग्रेस के अंदर, केरल के अंदर जितना आरएसएस का वोट था वो कांग्रेस को क्यों गया बताए ना। अब वहां के खींच भी बीजेपी पे निकाली, क्यों नहीं निकाली भाई? केरल के अंदर तो ये कांग्रेस के साथ, अच्छा सीपीएम में, लेकिन राहुल गांधी के सीपीएम का वोट, वो इसलिए परेशानी है बंगाल में, सीपीएम का वोट आपका एजेंडा है। आपको अगर लगता है बीजेपी कांग्रेस के साथ है सर, तो मैं समझती हूँ कि धरती पर जनता क्यों इस देश में अब आपको समझ ही नहीं पा रही। नहीं नहीं, बाहर पूरा वेवलेंथ ही गड़बड़ हो गया है सर। ठीक है, हम समझाने में असमर्थ है, हम मानते हैं इस बात को, हम असमर्थ है ये बताने के लिए। आपका सुनिए, समझाने में पेट से, पेट से, पेट से देश की वास्तविक समझने में असमर्थ है। सर पहले तीन मिनट तो मैं समझ ही नहीं रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। समझ में जैदी साहब पूरा गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया पूरा। नहीं नहीं अंजना जी, अगर देश को फसल कह रहे बीजेपी कांग्रेस के साथ है, कौन देश के मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं चाहिए, देश के मजदूरों को रोजगार नहीं चाहिए, तो ठीक है। डॉक्टर पात्र देखिए अंजना जी, एक निवेदन है, जो खुद मान रहे हैं कि उन्हें समझाने में वो असमर्थ हैं, तो कृपया करके उन्हें कहिए वो शांत रहे, जो लोग समर्थ हैं उनको समझाने दीजिए, ये मेरा निवेदन है। अंजना जी एक बात, शायद हम ब्रेक से पहले जो हुआ था उसको भूल गए हैं, और कदाचित उसको भूलना नहीं चाहिए। ब्रेक से पहले एक प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति ने कहा ये जनता जाहिल है, ब्रेक से पहले एक प्रतिष्ठित पार्टी के प्रतिष्ठित राजनेता ने कहा ये जनता भेड़िया है, और ये हिंदुस्तान के हम लोग हैं जो सुन लेते हैं, ये कहीं सुना नहीं जाएगा। डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले लोग, जो लोग चुनाव से पहले कह रहे थे कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूं, मैं तो अब भी कह रहा हूं, अपनी बात पर ही बताइए, जो बात रिपोर्ट नहीं कर रहा, जाने क्या क्या कह रहे हैं, अगर जाहिल लोग हुकूमत कर रहे हैं तो धर्म का चोगा उड़ लीजिए, ये धर्म का चोगा उतार कहां है, आर्थिक मुद्दों पे बात करें नहीं करें, प्लीज हमको बोलने दीजिए, धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल करें, मैं आपसे निवेदन करता हूं सर, यहां छह लोग बैठे हुए हैं, अकेले आप चिल्लाए जा रहे हैं, दूसरे को बोलने दीजिए कृपया, सर हमारी आवाज कहां है, हम्बल रिक्वेस्ट सर, हिंदुस्तान तो आप नजर आ रहे हैं, हाँ आप तो चीन में रह गए, काश आप कोई बात से कुछ नहीं, जनता ने दिया है वोट तो हम नजर आएंगे, आपकी फिर चीन की बढ़ाई, आप जनता को जाहिल कहने वाले कौन हैं? नहीं नहीं सुन लीजिए प्लीज अंजना जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये व्यक्ति कौन है जो जनता को जाहिल कहेगा, ये व्यक्ति कौन है जो जनता को भेड़िया कहेगा, कौन है ये? धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के अंदर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे, ये कन्हैया कुमार की पार्टी आप बताइए ना,
शिवसेना में अकाली दल की बात नहीं करेंगे परिवार जो महबूब आया लेकिन पार्टी का सिक्रेटरी कौन होगा ये कम्युनिस्ट पार्टी सुन लीजिए अंजना जी इनको सुनवाइए अंजना जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये देश के खिलाफ बोलते हैं जवाब तो सुन लीजिए आ रहे मृत्युंजय जी इसके बाद फौरन आ रहे हैं संबित जी अंजना जी अंजना जी आप इनको बताइए कि हम जय श्री राम भी कहेंगे भारत माता की जय भी कहेंगे त्रिपुंड भी लगाएंगे काशी विश्वनाथ के मंदिर भी जाएंगे हर हर महादेव भी कहेंगे उसका मतलब हम जाहिल हैं आप भेड़िया बताएंगे जाहिल बोलेंगे जाहिल कहेंगे कट्टरवाद नहीं चलता जय कहेंगे तो आप हमें जाहिल कहेंगे मैंने आपको पता है मांगी सर आपने हमें जाहिल कहने की हिमाकत कैसे की आपने जनता को जाहिल कहने की हिमाकत कैसे की आप माफी मांगिए क्षमा याचना कीजिए आप देश के सर्वोच्च बड़े चैनल में देश के सबसे बड़े चैनल में बैठ के देश की जनता को जाहिल कहेंगे और आप क्षमा कर दिया जाएगा क्यों क्षमा किया जाए आप बताइए ना कौन है आप कान खोल के सुन लीजिए इस देश में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी देश की जनता को जाहिल कहेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी क्षमा नहीं किया जाएगा मृत्युंजय जी आपके पास में जवाब ब्रेक के बाद लूंगी फौरन लौट रहे देखते रहिए हल्ला बोल आपकी पार्टी तो तेजस्वी जी माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों के लिए बैटिंग कर रही है मृत्युंजय जी तो आप पे तो डबल भार है दो बेटों को संभालना है दो बेटों के लिए बैटिंग करनी है देखिए जितनी जिम्मेवारी बढ़ती है भार भी उतना ही बढ़ता है और राजनीति में लोकतंत्र में जितना भार बढ़ेगा उतने ही आपको सबक लेकर के सीखने का मौका मिलता है ये हार हुआ है अंजना जी हम लोग स्वीकार करते हैं लेकिन सत्ता जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया है तो सत्ता का अहंकार ना करे भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करे और हमें जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में रहेंगे आप हार का अपने पोस्टमार्टम तो कीजिए कुछ बताइए तो कि क्या हो गया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को क्या करना चाहिए एक परिवार की राजनीति चलेगी पोस्टमार्टम चार दिन में आप सोच रहे हैं पांच वर्षों के लिए जनादेश जनता ने दिया है हम बिहार विधानसभा के चुनाव में इस हार से सबक लेकर के हम क्या सबक है ब्रेक के लिए रुकना पड़ा जल्दी से दीजिए एक लाइन से गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में हाँ। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले अरे घुटनों के बल कौन चल रहा है यही तो लड़ाई है कि परिवार वाले लोग घुटनों के बल तो नहीं चल रहे देखते रहिए आज तक लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।